नाम सतनाम करता पुरख प्रसाद जप गुरु प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक हो सी भी सच नानक हो सी नानक हो सी भी सच नानक हो सी भी सच। मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे मेरे राम राय तू संतां का संत नहीं आ रहे।
नहीं आवे मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे मेरे राम राय तू संता।
जन्म तुम्हारे लेके माधो माधो
हो जन्म तुम्हारे लेखे माधो चिर पयो दर्शन देखे
बिछड़े थे माधो। जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल के दे संजरिया। बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े हम प्रभु से, कई जन्म पाए। गुरुदेव वाणी में कहते हैं कई जन्म भय कीट पतंग, कई जन्म हम कीड़े मकोड़े भी बने, कई जन्म गज मीन कुरंगा, गज हाथी को बोलते हैं, मीन मछली को, ऐसी ऐसी जूनियां हमने पाई। कितनियां जूनियों में भटकते 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 हे गुरुदेव अब मानुष जन्म पा के तेरे द्वारे पे पहुंचे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये जन्म भी तेरे सिमरन के बिना, तेरे दर्शनों के बिना, तेरे घर की सेवा के बिना ही चला जाए। प्यार से बोलो श्री
बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेखे। यह जन्म अब तेरे लेखे है मेरे सतगुरु, अब कृपा कर। बहुत जन्म भटकता भटकता तेरे द्वारे पे पहुंचा हूं, कृपा कर अब सदा के लिए अपने चरणों में मुझे स्थान बख्श, ताकि मैं दिन रात तेरी सेवा और सिमरन करके अपने इस मानुख जन्म को सफल बना के जाऊं। भगत रविदास जी इस शब्द में परमेश्वर जी के चरणों में विनती कर रहे हैं, प्रभु माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे। सारे करो विनती, माधो एहो जन्म, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म तुम्हारे लेखे। जपो एहो जन्म, कह रविदास आस लग जीओ, लग जीओ चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे, माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे। गुरु नानक सच्चे पातशाह के घर से बरसाए पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले। जब बाबा नंद सिंह जी ने अपने गुरु भाई बाबा जवंत सिंह जी के साथ मिलके गुरु ग्रंथ साहिब जी की आराधना की और गुरुदेव के चरणों में बैठ के ये मांगा कि सतगुरु तेरी बाणी कहती है बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तार। बाणी में गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में और गुरु नानक में कोई भेद नहीं, तो बाबा नंद सिंह जी और बाबा जवंत सिंह जी ने भक्ति करके मांगा सतगुरु हमको एक बारी गुरु ग्रंथ साहब में से गुरु नानक के दर्शन कराओ। प्यार से बोलो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, आप एक बारी गुरु नानक बन के दिखाओ। सच्ची भक्ति थी, श्रद्धा की भक्ति थी, प्रेम की भक्ति थी, प्रण कर लिया जिस तरह धन्य भक्त ने ठाकुर को भोग लगाया था, हम भी गुरु ग्रंथ साहब को भोग लगाएंगे तब प्रसाद खाएंगे। एक दिन दो दिन तीन दिन तकरीबन छह दिन तक भोग लगाने के लिए प्रसाद रखा गुरु ग्रंथ साहब के आगे, पर भोग नहीं लगा। कहा जब तक सतगुरु आप नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। सातवें दिन भक्ति को फल लगे, गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक बन गए।
सात्रिया। बाबा नंद सिंह जी, बाबा जवंत सिंह जी को गुरु नानक जी ने प्रत्यक्ष दर्शन, कहा प्यारियो कुछ मांग लो। बाबा जवंत सिंह जी ने मांगा, हे सतगुरु मुझे कीर्तन की दात बख्शिश कर, जब मैं कीर्तन करूं आप मेरे सामने प्रत्यक्ष बैठ के सुना करो। और बाबा नंद सिंह जी को बोलो रोज मेरे से एक शब्द सुना कर, प्यार से बोलो श्री। एक दिन बाबा नंद सिंह जी ने संत सुजान सिंह जी को कहा, रागा सिया बाबा जवंत सिंह जी ने भक्ति करके गुरु नानक से कहा मुझे, मेरे पे ये कृपा करो कि बाबा नंद सिंह जी मेरे से एक शब्द रोज सुना करें। और बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, देख संत सुजान सिंह जी, बाबा जवंत सिंह जी ने गुरु नानक से भक्ति करके मांगा कि एक शब्द बाबा नंद सिंह मेरे से सुने, और मैं तुझे खुद कहता हूं रागा सिया तू मुझे रोज शब्द सुनाया कर, प्यार से बोलो श्री। कितना प्यार होगा बाबा नंद सिंह जी का कीर्तन के साथ। बाबा जवंत सिंह जी ने गुरु नानक जी से कीर्तन की भक्ति मांगी। गुरु नानक जी ने बाबा नंद सिंह जी से पूछा, आप मांगो क्या मांगते हो? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, हे गुरु नानक साहब मुझे मांगना नहीं आता, कुछ तो मांग लो। कहा मुझे मांगना नहीं आता, कुछ तो मांगो, मेरा तीसरा वचन है। गुरु नानक साहब बोले, बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, गरीब निवाज मुझे मांगना नहीं आता, मुझे अपना बना लो, प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक साहब हंस के कहने लगे, एक तरफ कहते हो मुझे मांगना नहीं आता, दूसरी तरफ सब कुछ मांग लिया, जिसको मैं अपना बना लूं फिर मेरा सब कुछ उसी का तो हो गया, प्यार से बोलो श्री। तब बाबा नंद सिंह जी ने गुरु नानक के चरण पकड़ के क्या कहा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेके माधो, एहो जन्म तुम्हारे ले, कर दो अपना जन्म अपने सतगुरु के लेखे माधो, एहो जन्म तुम्हारे ले, सत नाम वाहे गुरु, 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 जन्म तुम्हारे लेके माधो, एहो जन्म तुम्हारे लेके, सारे जपो माधो, एहो जन्म तुम्हारे
पास लग जीवो। चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन दे। हे सतगुरु, बहुत जन्म बीत गए, कृपा करो अब दर्शन देहो, मेरे जन्मों की भटकना खत्म करो, सदा के लिए मुझे अपने चरणों में लीनता बख्शो। प्यार से बोलो श्री दास। ये कथा हिंदी में इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी संगत बड़ोदरा की, अहमदाबाद, भावनगर, दूर दराडे से आई गुजरात की ये संगत, गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगत, महापुरुखों के चरणों में समागम में पहुंचे हो। बहुत ठेठ पंजाबी कई नहीं समझ सकते, इसलिए ये कुछ गुरु के वचन, संतों के वचन हिंदी में कर रहे हैं कि संगत को गुरु की ये कृपा प्राप्त हो सके। साथ संगत बोलो श्री। संत बाबा सुजान सिंह जी के वचन सुनाते थे, एक संत थे, संत बड़े प्यारे संत, एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के प्रभु का रोज सिमरन करते, भक्ति करते, दिन रात उस वृक्ष के नीचे उन्होंने आसन लगाया था, ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन वहां से नारद जी निकले, संतों ने खड़े होकर विनती करी, आओ भगवान, बड़ी कृपा हुई नारद जी, आपके आज दर्शन प्राप्त हुए, कहां जा रहे हैं आप? नारद जी कहने लगे, बैकुंठ चला हूं। प्यार से बोलो श्री। बैकुंठ जा रहा हूं भगवान के दर्शनों। बड़े भाग वाले हो, बड़े भाग्यवान हो महाराज, जब चाहते हो दर्शन कर आते हो प्रभु के, पर आज एक मेरे गरीब की भी बेनती भगवान को करोगे? जरूर करेंगे। तो वो संत बोलने लगे, नारद जी, भगवान के चरणों में आज जाके ये मेरी बेनती करना कि मुझको उनके कब दर्शन होंगे। प्यार से बोलो श्री। कभी मेरी भी बारी आएगी कि नहीं आएगी? अपनी बारी पूछिए। किसी के साथ ईर्ष्या नहीं की कि उसको मिल गया मुझे नहीं मिला। गुरु के दरबार में आके अपनी बारी पूछा करो, प्रभु मेरी बारी कब आएगी? प्यार से बोलो श्री। दूसरे की झोली भरते देख उससे ईर्ष्या मत करो कि वो पीछे आया, गुरु ने उसको सब कुछ दे दिया, मैं कितने दिनों से आ रहा हूं मुझे नहीं मिला। नहीं, अरदास करो, प्रभु उसकी झोली भरी है, वो खुश नसीब है, पर मैं भी तेरे दाता दर पे आया हूं, इस गरीब की भी कभी झोली भर देना। प्यार से बोलो श्री। ए रखवाद ना कीजे रे मन, सुकृत कर कर लीजे रे मन। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, जो गुरु नानक ने कृपा करके, जो तेरे सतगुरु ने कृपा करके तुझे दात दी है ना, बख्शिश की है, रहमत की है, पहले उसका शुक्राना कर। हम शुक्राना नहीं करते, हम शिकायत करने आ जाते। प्यार से बोलो श्री। जो कुछ मिल गया है गुरु के दर से, पहले उसका शुक्राना कर, फिर सबर भी रख। जो कुछ मिल गया उसका शुक्र कर, जो नहीं मिला उसका सबर कर। गुरु के घर में कोई कमी नहीं, कमी तो हमारी मांगने में है। प्यार से बोलो श्री। जो कुछ मिल गया उसका शुक्र कर, जो नहीं मिला उसका सबर कर। अगर कुछ मिल गया है तो उसका अहंकार मत कर, और तीसरा, अपने सतगुरु का दर छोड़ के कहीं भी ना जा।
प्यार से बोलो श्री। उस महापुरुष ने, उस संत ने कहा, नारद जी आप भाग्यवान हैं, जब चाहते हो भगवान के दर्शन कर आते हो, पर आज मेरी भी विनती करना, मेरी बारी कब आएगी, मुझे दर्शन कब होंगे, करोगे ना विनती? नारद जी ने कहा जरूर करेंगे। जब वैकुंठ धाम पहुंचे नारद जी, भगवान कहने लगे, नारद जी आज बड़ी सोच में पड़े हो। बोला महाराज सोच रहा हूं बात करूं कि ना करूं। बोला कर लो। तो नारद जी कहने लगे, महाराज मात लोक में फलानी जगह पे वो पीपल के पेड़ के नीचे एक संत बैठा, आपकी बड़ी भक्ति करता है। वो संत पूछता है कि मुझे भगवान के दर्शन कब हो। प्यार से बोलो श्री। भगवान ने नेत्र बंद किए, थोड़ी देर बाद खोले और कहा, नारद वो जो पीपल के पेड़ के नीचे संत बैठा मेरा नाम जपता है उसकी बात करते हो? हाँ महाराज, उसकी, उसको कब दर्शन होंगे? भगवान कहने लगे, जितने उस पेड़ के पत्ते हैं ना, इतने जन्म लेगा तब हम उसको दर्शन देंगे। प्यार से बोलो श्री। नारद जी कहने लगे, महाराज बड़ी लंबी तारीख डाल दी, वो गरीब तो सुन के ही मर जाएगा। प्यार से बोलो श्री। अब पेड़ के साथ कितने पत्ते होते हैं कोई गिन सकता? इतने जन्म पावेगा तब आप आओगे दर्शन दोगे? बोला कह देना उसको बस। नारद जी वापिस आए वैकुंठ धाम से। जब उस संत की पास पहुंचे, संत खड़े हो गए, आओ महाराज मेरा संदेशा लाए, भगवान को मेरी विनती की। बोला की तो थी भाई, तो फिर भगवान ने क्या कहा मेरे लिए? कुछ तो वचन किया होगा मेरे गरीब के लिए। बोला किया है, पर आप ना ही सुनो तो अच्छा। प्यार से बोलो श्री। मेरे से ना ही सुनो तो अच्छा है। नहीं महाराज, कृपा करके कुछ तो कहा होगा उन्होंने। बोला कहा तेरे लिए। फिर महाराज जो भी कहा, भगवान के वचन तो झोली में डालने लायक हैं, पल्ले बांधने लायक हैं, कृपा करो फिर सुनाओ, बताओ क्या वचन किया उन्होंने मेरे लिए। उन्हें क्या लिखी संत जी? हाँ महाराज, भगवान ने कहा है, आज जिस वृक्ष के नीचे बैठ के आप तपस्या कर रहे हो ना। बोला हाँ। कभी इसके पत्ते गिने हैं? बोला महाराज बहुत पत्ते हैं, गिने नहीं जा सकते। बस भगवान ने यही कहा है, भाई जितने इसके पत्ते हैं पेड़ के, इतने जन्म लोगे तब हम आएंगे दर्शन देने। संत कहने लगा, भगवान ने क्या कहा, दर्शन देने आएंगे? भगवान आएंगे? बस रिखी तो नाचने लगा, भगवान आएंगे, भगवान दर्शन देंगे। भाई उन्होंने कह दिया है हम आएंगे दर्शन देंगे। नारद जी कहने लगे, बीच वाली बात भी तो सुनो भाई, जितने पेड़ के पत्ते हैं उतने जन्म लोगे तब आएंगे। संत हंस के कहने लगे, महाराज आगे थोड़े जन्म लिए हैं, इतने और भी ले लेंगे क्या हुआ, पर भगवान आएंगे तो सही। यार से बोलो श्री। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, जपो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एहो जन्म तुम्हारे ले थे, एहो जन्म। बोला महाराज थोड़े जन्म पाए हैं पर भगवान आएंगे तो सही ना। रिखी तो नाचने लगा, भगवान जी ने कह दिया आएंगे, भगवान जी ने कह दिया वो दर्शन देने आएंगे। नारद सोचने लगे, पागल हो गया, सुन के पागल हो गया, बीच की बात सुनता ही नहीं। और भाई जितने इस पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्म लोगे तब भगवान आएंगे दर्शन देने। बोला महाराज छोड़ो जन्मों की बात,
आएंगे तो सही ना, प्यार से बोलो श्री। अब रिखी तो अपना जो जप तप सिमरन करता था सब भूल गया, दिन रात उठता है तो बोलता है भगवान आएंगे, आराम करता है तब कहता है भगवान आएंगे, कभी इधर नाचता जाता है भगवान आएंगे, फिर उधर नाचता जाता है भगवान आएंगे। जी उन्होंने अपने मुख से कहा भगवान जी ने, हम आएंगे हम आएंगे। प्यार से बोलो श्री। अभी 6 महीने ही बीते थे, सिर्फ 6 महीने बीते थे, नारद जी वहां से निकल रहे थे, देखा उस रिखी का हाल तो पूछू क्या है, क्या देखा, उसी पेड़ के नीचे भगवान विष्णु जी, उनकी गोद में उस रिखी का सिर पड़ा हुआ। प्यार से बोलो श्री। उसी पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं और भगवान की गोद में संत का सिर है, और भगवान कह रहे हैं मेरे बच्चे आ, मेरे प्यारे आ, एक बारी आंखें खोल, जिसके दर्शनों की इंतजार में था वो तेरे पास बैठा है। प्यार से बोलो श्री। नारद जी नजदीक आए, कभी आंखें बंद करें कभी खोलें, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, कहीं तो भगवान जी आपने तारीख डाली थी, जितने पेड़ के पत्ते हैं इतने जन्म लेगा ये ऋषि ये संत, तब मैं दर्शन देने आऊंगा। अभी तो महाराज कुल 6 महीने बीते और आपने दर्शन भी दे दिए। भगवान हंस के कहने लगे नारद ऊपर देखो, पेड़ के साथ पत्ता है कोई, क्योंकि नारद जब आए थे तब बसंत ऋतु थी, बसंत ऋतु थी, अब पतझड़ आ गई, देखा ऊपर पेड़ के साथ एक भी पत्ता नहीं। प्यार से बोलो श्री। भगवान जी कहने लगे जिस तरह पतझड़ में तेज हवाएं, तेज आंधी की जब आती हैं, जोर से हवाएं पत्तों को झाड़ देती हैं, इसी तरह जिसके अंदर प्रेम की आंधी आ जाती है, प्रभु के मिलने का प्यार आ जाता है, उसके अंदर हड़ आ जाता है, उसके जन्मों की तारीख भी मिट जाती है। प्यार से बोलो श्री। कभी ये प्यार हमारे भी हृदय में आ जाए, हमारे भी जन्मों की तारीख मिट जाएगी, शायद ये आखिरी जन्म होगा हमें अपने सदगुरु का साक्षात्कार हो जाएगा। भगत रविदास जी कहते हैं, कह रविदास आस लग जियो, कह रविदास आस लग जियो, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, मातो एहो जन्म तुम्हारे लेके, समाप्ति है मातो एहो जन्म तुम्हारे ले, सारे हाजरियां ला लो, माधो एहो जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछुड़े थे माधो, बहुत जन्म एहो जन्म गुरु, वाहे 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 गुरु।
नानक धन गुरु 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 नानक माधो एगो जन्म तुम्हारे ले माधो एगो जन्म तुम्हारे ले जन्म तुम्हारे ले जन्म तुम्हारे ले अकाल सतगुरां दा कोटान कोट शुकराना है बाबा जी दा महाराज जी दा मुनि साहब समूह संतों का आई सरबत गुरु नानक की ये प्यारी संतों की संगत महापुरुषों का दिन मना रहे हो बड़ोदरा में। दास ने पहले भी विनती की थी गुरु शब्द में जो विचार हिंदी में दिए हैं इसलिए क्योंकि गुजरात में ये संतों का स्थान जहाँ कीर्तन समागम हो रहा है संतों की याद में बहुत सारी गुजराती संगतें गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगत जो बहुत ठेठ पंजाबी नहीं समझ सकते गुरु शब्द के विचार इतिहास की विचारें दास हिंदी में करने का जतन कर रहे हैं। कोई भूल चुकी सतगुरु क्षमा कर दें आगे अपनी सेवा आप लें। इतनी हाजरियां परवान आओ ये पंक्तियां पढ़ के समाप्ति। श्री हरे कृष्ण ते आई है श्री हरे कृष्ण ते आई है सब दुख जाए पे सब दुख जाए देख बहादुर सिमरी है देख बहादुर सिमरी है देख बहादुर सिमरी है देख बहादुर सिमरी है घर नौ निधि श्री हरे कृष्ण ते आई है श्री हरे कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए सब दुख जाए श्री हरे कृष्ण ते आई है श्री हरे कृष्ण ते पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई अमरी करो हाथ दे रचा पूरन होए चित के इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा।
अपना जान करो व्रत पारा हमरे दुष्ट सब है तुम कहो आप हाथ दे मोए बचाओ सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सब है करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आज संगरिए पूरन होए हमारी आशा और भजन के रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई और ना क्या जो पर जाओ सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उभरी है मर्म काल का त्रास नुवरी है वो जो सदा हमारे पच्छा सिर्यस तुझ जो करियो रचा राख ले मुझे राखन हारे साहिब संत साहिब प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता हो पुरी ततर दस पंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए सब जो अवतरा काल पाए कर विषण प्रगासा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जो थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताए हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जग छन उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवार सेवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्टि कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब दुकर्क करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब अकर्क करतो कब सब जेते बदन श्रेष्ठ सब दार आप आपने बोझ उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ तांका मूढ़ उचार तुभेदा को पेव न पाप तुभेदा तांको कर्पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती तो पेन पेन तो तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कई पोपा अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच देने कहूं फूल राजा हव बैठा समट प्यो संक्रिय फैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो करो दुष्ट जिते उठवते उत पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरणी परे के दुष्ट दुख तो हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने आए हैं रक्षा होई ताए सब काला दृष्टि अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहारो आके ताप तनक मोहरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छे सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोग तेरा खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले ओ उबारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट लोग ते ले ओ बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले ओ उबारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट लोग ते ले ओ रामकली महला तीजा नंद क्योंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु पाया रग रतन परवार परियां सबद गावने आईया
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया है। हर नाल रखो मन मेरे दुख सब विसारना, सब नांग समरत स्वामी सुख मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे, सदा सुख सलाह तेरी नाम मन वसावे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे, सच नाम मेरा आधारो कर शांत सुख मन आयुष्या जिन इच्छा सब जाया। कहे नानक सुनो संतो सब तरो पे आरो, सच नाम मेरा आधारो वजे। काल कंड कुमारिया कहे नानक तैसो अत कर पार ब्रह्म पाया त्रि सगले सूरे। संत सजन पैसर से पूरे गुर के जान सुनते कहते पवे सत गुरु रहा पर पूरे। वाजियन हद तूर जी आनंद सुनो बड़ पागियो। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दो दाही दाया खेले सगल जगत। चंगियां बुरियां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मुसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਿਰ ਤਰ ਮਨ ਕਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅਬ ਹਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇਂਗੇ। Oh.
जय गुरु जी की।